447 करोड़ का आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान 390 करोड़ के घाटे का था, तो अनुमान के हिसाब से देखें तो डेफिनेटली घाटा और ज़्यादा कम हुआ है, वो एक पॉजिटिव ही माना जाएगा। हम अनुमान लगा रहे थे आय का 670 करोड़ की, उसके सामने अगर आप आय देखें तो 774 करोड़ की आय भी आती हुई दिखी है, तो आय भी आपके लिए अनुमान से बेहतर है। मैं स्टैंड अलोन कंपैरिजन दे रहा हूँ, अगर आप कंसोलिडेट कंपैरिजन देखें तो 812 करोड़ की आय आई है 323 करोड़ से बढ़कर, तो अनुमान से काफ़ी बेहतर यहाँ पर आप आय का फिगर आते हुए दिख रहे हैं। और घाटा है अभी भी, बट घाटा कम हुआ है कंपैरिजन में देखें, और अनुमान से कम घाटा आया है, तो दोनों लिहाज से देखें तो पॉजिटिव ही है। जहाँ तक एबी फैशन का सवाल है, एक बार जरा कुणाल जी से क्विक चार्ट चेक भी ले लेते हैं। कुणाल जी, नतीजे अनुमान से बेहतर, चार्ट्स पर राय दें सर, 2.5% ऊपर है स्टॉक। जबरदस्त चार्ट है दीपांशु, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि अगर आज ये स्टॉक 932 के ऊपर टिक गया और उसके ऊपर क्लोज देने में सफल हो जाता है तो एक बड़ा वीकली ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। मुझे लगता है स्टॉक के लिए काफी अग्रेसिव टारगेट्स होने चाहिए, और जिस तरह का मोमेंटम यहां पर बनता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक बड़ी आसानी से 290-300 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ब्रेकआउट आने पर बिल्कुल बाय करके चलें, और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है स्टॉक के लिए वो 250 का होना चाहिए, 250 तक स्ट्रेट रन आना चाहिए, तो मेरी राय में खरीदारी करके चलें।